हेलो दोस्तों, आज हम जो लिविंग वर्ल्ड का दूसरा पार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वो पहला पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम दूसरा पार्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे करके हम धीरे धीरे करके छोटे छोटे वीडियो बना कर मैं आपको पूरा चैप्टर समझा दूँगा, ठीक है। और आप जुड़ते जाइए हमारे साथ और अब शुरू करते हैं, चलो ठीक है। अब देखो, कल कहाँ तक हो गया था? कल हमारा हो गया था डिफरेंस, जो नॉन लिविंग थिंग है और लिविंग थिंग है उन दोनों के बीच में हमने डिफरेंस पता कर लिया था, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया हमने लगा लिया था, ठीक है। और अब हम थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करते हैं, तो आगे वाले आगे चलते हैं। हाँ, आज देखते हैं करैक्टर। करैक्टर क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं लिविंग थिंग्स के? आप जीवित हो तो आप जीवित हो उसके कुछ लक्षण बताओ कि हम चल सकते हैं, हमारा एक निश्चित आकार है, हम ग्रोथ करते हैं, ये हमारे दिमाग में आते हैं कुछ लक्षण, ठीक है। तो ये हम आगे अब हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनाइजम है सम कॉमन फीचर, मतलब सभी जितने भी जो सजीव हैं सभी में क्या होते हैं, कुछ कॉमन लक्षण होते हैं। और ये बात समझ में, कुछ कॉमन लक्षण जरूर जरूर होते हैं। पहला लक्षण कौन सा है? पहला लक्षण है भाई डेफिनेट साइज शेप एंड साइज, मतलब उनकी जो आकार और आकृति है, जो उनकी आकार और आकृति है वो निश्चित होता है, ठीक है। जो आकार और आकृति है वो क्या होती है, उन लिविंग थिंग्स की निश्चित होती है। एक मानव मानव की तरह ही दिखाई देगा, ठीक है, जिसके आधार पर हम उसको पहचान सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट पढ़ते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनाइजम हैव डेफिनेट शेप एंड साइज विच मे चेंज विद इन ए वेरी नैरो रेंज। देखो, हम क्या करते हैं कि बोल रहे हैं कि साइज और जो शेप होती है वो समान होती है, लेकिन एक जो शिशु होता है, जो एक बेबी होता है जो जन्म लेता है, क्या वो एक यंग की तरह होता है क्या? उसकी साइज यंग की तरह की होती है क्या? नहीं होती। तो इस कारण हम एक बात बात बोलते हैं, लेकिन उसके देखो उसकी जो शेप होती है वो एक यंग बॉय की तरह ही होती है, समझे इस बात को। जो एक बेबी जन्म लेता है उसका आकार और जो एक यंग लड़का होता है उसका आकार सेम होता है, समझे इस बात को। तो इस बात से हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है, और वो क्या होती है कि हम होते तो देखो शेप तो सेम होती है, लेकिन साइज एक बहुत ही छोटी रेंज तक बढ़ सकती है। अभी वास्तव में हम छोटी सी एक वेरी नैरो रेंज में हम क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, हमारी साइज को बढ़ा सकते हैं। दैट्स रीजन द रेट लुक लाइक ए रेट एंड ए भेल लुक लाइक ए भेल। इसी कारण जो चूहा होता है चूहे की तरह ही दिखाई देता है, और एक जो व्हेल होती है जो बड़ा जीव होता है, ठीक है, जो बड़ी मछली होती है वो व्हेल की तरह ही दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया, एक मानव की तरह दिखाई देगा, क्योंकि उनका जो आकार और आकृति है वो निश्चित होती है। अगला पॉइंट है, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनाइजम आर कॉल्ड मॉर्फस, मतलब उनकी निश्चित आकृति होने के कारण जो लिविंग ऑर्गेनाइजम है उनको हम मॉर्फस कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉर्फस कहते हैं क्योंकि Because these have morphological form, उनकी एक निश्चित morphological form होती है, एक निश्चित संरचना होती है, ठीक है। लेकिन जो non-living organism है called क्या, जो non-living organism है वो क्या कहलाती है, एक मिनट रुको, हाँ, जो non-living organism है वो क्या कहलाती है, amorphous। क्या कहलाती है बेटा? amorphous। क्यों? क्योंकि वो एक फॉर्मलेस होती है, उसकी कोई आकार आकृति निश्चित नहीं होती। पत्थरों की क्या आकार आकृति निश्चित होती है? अब बोलोगे सर निश्चित होती है क्या, सभी पत्थर चौक मतलब राउंड शेप होते हैं या सभी पत्थर ओवल शेप होते हैं? नहीं ना, सभी पत्थरों की आकृति निश्चित नहीं है, कुछ कैसे होते हैं कुछ कैसे होते हैं, ठीक है। हम उनकी ये ठोस या उसकी संरचना देख के नहीं बता सकते हम, ठीक है, उसके कुछ अलग करेक्टर हैं, उसको देख के हम बता सकते हैं। आगे बात समझ, अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला भाई ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब उनका संगठन, शरीर का संगठन।
अब शरीर का संगठन क्या होता है, लिविंग ऑर्गेन। जो लिविंग ऑर्गेनाइजम हैव डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, डिफरेंट फंक्शन एंड कोऑर्डिनेशन फॉर्म इन कोऑर्डिनेशन फॉर्म। जो लिविंग ऑर्गेनाइजम है उनमें डिफरेंट प्रकार का क्या होता है, सिस्टम होता है, ठीक है, जो डिफरेंट प्रकार के अलग अलग प्रकार की काम करता है, ठीक है। जो ऑर्गन सिस्टम होता है उनमें अलग अलग प्रकार के ऑर्गन पाए जाएंगे, सभी को पता है कि देखो ये होता है, पहले तो ऑर्गन होते हैं, ठीक है, ऑर्गन हरी वासन में ऑर्गन, ऑर्गन क्या करते हैं, ऑर्गन के नीचे आएंगे जो, हाँ वो मैं अभी बताता हूँ इसके बारे में, लेकिन पहले इसके बारे में देख लेते हैं। जो ऑर्गन सिस्टम होता है उसमें पाए जाते हैं ऑर्गन, ठीक है, और वो ऑर्गन एक ही काम तो नहीं करेंगे, हरी वासन में वो ऑर्गन केवल एक काम नहीं करेंगे बेटा, वो अलग ऑर्गन साथ मिलके तो रहेंगे लेकिन अलग अलग काम को परफॉर्म करेंगे और कोऑर्डिनेशन फॉर्म में परफॉर्म करेंगे, मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर परफॉर्म करेंगे, एक दूसरे के साथ एक दूसरे का साथ देंगे। आ गई बात समझ में, ईच ऑर्गन सिस्टम मेड बाय डिफरेंट ऑर्गन, ठीक है। मैंने अभी बताया जो ऑर्गन सिस्टम होता है किन से बना होता है, ऑर्गन से, ठीक है, और जो ऑर्गन होता है, ठीक है, वो बना होता है डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू, मतलब अलग अलग प्रकार के टिश्यू से बना होता है। ईच टिश्यू मेड बाई सिमिलर एंड डिसिमिलर सेल, और जो टिश्यू होता है समान प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हो सकता है और अलग विषम प्रकार की कोशिकाओं से भी डिसिमिलर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। और इस कारण हम देखो लास्ट क्लास में क्या मिली हमें, सेल क्या मिली बेटा, हमें सेल मिली, आगे बात समझ में, सेल मिली, और इस सेल मिली इसी कारण हम इस सेल को जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, ठीक है, कि मतलब जो बेसिक यूनिट सबसे छोटी संरचना क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। क्यों, क्योंकि लास्ट में कौन मिलती है, जो संगठित संरचना होती है, जो काम करने योग्य होती है, जो काम कर सकती है, क्या होती है, सेल होती है। द डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए बॉडी वी, अगला पॉइंट है, द डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए बॉडी वी लुक इनटू स्मॉलर यूनिट एंड सब यूनिट दैट आर अरेंज अन ऑर्डरली मैनर इन सच वे टू फॉर्म ए लार्ज पार्ट कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो अगर हम उसको डिफरेंशिएशन में विभेदन करें तो हम पाएंगे कि एक जो बॉडी बनी होती है, जो एक शरीर बना होता है, वो स्मॉल यूनिट और उससे भी छोटी यूनिट, सब यूनिट कहते हैं उनको, उसके एक अरेंज फॉर्म में, अरेंज मैनर में बना होता है, आगे बात समझ में, और जो एक दूसरे के साथ मिलकर एक लार्जर बॉडी बनाते हैं, लार्जर पार्ट बनाते हैं इस मतलब इस काम को, मतलब ये जो प्रोसेस हो रही है, ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलना और एक कोऑर्डिनेशन में काम करना, कोऑर्डिनेशन में काम करके एक शरीर का निर्माण करना, वो सब कुछ क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये हमारी इसकी परिभाषा होगी, डेफिनेशन हो गई ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। तो इसमें प्रश्न आ भी सकता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो अब इस प्रश्न में जो इस लाइन है ना, इस पॉइंट को उठाकर पूरा रख दोगे कि भाई ऑर्गेनाइजेशन ये होता है, हरी बात समझ में, ये होता है ऑर्गेनाइजेशन। अगला पॉइंट है, दैट्स रीजन लिविंग थिंग कॉल्ड ऑर्गेनाइजम, इसी कारण जो लिविंग थिंग है, जो जीवित चीज़ें हैं, उनको हम और उनको क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजम कहते हैं, समझे इस बात को, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन से बनी होती हैं, इस कारण लिविंग थिंग क्या कहलाती हैं, ऑर्गेनाइजम, ठीक है। अब चलो अगली स्लाइड में चलते हैं, अगली स्लाइड में क्या है, तीसरा पॉइंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब जो तीसरा लक्षण है किसका, सजीव का या फिर लिविंग थिंग का, वो क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट, होता कि नहीं होता, आप भी सोचते होंगे कि अब जब हम सजीव और निर्जीव में भेद करते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में विभेदन करते हैं, तो हमें पता चलता है, क्या पता चलता है, कि जो नॉन लिविंग थिंग है वो ग्रोथ नहीं करती, और क्या होता है, जो लिविंग थिंग है वो ग्रोथ करती हैं। एक्चुअली ये बात गलत है, कौन सी बात गलत है, कि नॉन लिविंग थिंग ग्रोथ नहीं करती, क्यों, अभी तक तो यही देखते हैं ना आप लोगों की ग्रोथ नहीं करती, आपके मन में यही होगा, लेकिन ये बात सरासर गलत है, नॉन लिविंग थिंग भी ग्रोथ करती हैं। कैसे, जैसे कि आपने कभी मान लो मिट्टी उड़ती है, मैं हाँ रेगिस्तान में रेत के टीले होते हैं कि नहीं होते, वो क्या साइज में नहीं बढ़ते हैं, बढ़ते हैं ना भाई, साइज में बढ़ते हैं, हरी बात समझ में, और जो बर्फीले पहाड़ हैं वो भी क्या होंगे, सर्दियों में जब बर्फ़ गिरेगी तो वो क्या हो जाएंगे,
इनकी ऊंचाई बढ़ जाएगी। तो बढ़ना ही तो ग्रोथ कहलाती है भाई, बढ़ना ही तो क्या कहलाती है, ग्रोथ कहलाती है, समझे इस बात को, बढ़ना क्या कहलाती है, ग्रोथ कहलाती है। तो क्या हम कह सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग ग्रोथ नहीं करती? करती हैं। तो आप बताओगे भाई कि सर इसमें फिर नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग में अंतर क्या हुआ? आप बताते हैं, इसमें जो इसमें पॉइंट है ना, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई ग्रोथ किस प्रकार की होती है, कैसे होती है, और ये डेव और कैसे इसमें अंतर कर सकते हैं। तो पहला सुनो, पहला पॉइंट है ऑल लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सभी जीवित चीज़ें ग्रोथ और डेवलपमेंट, ठीक है, वृद्धि एवं विकास दोनों दर्शाते हैं। कार्ड बांध लेना इस बात को, ठीक है। और अगला पॉइंट है ग्रोथ इज ए परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज इन साइज ऑफ सेल एंड ऑर्गेन एंड होल ऑर्गेनाइजम यूजुअली अकम्पनीड बाई इंक्रीज ड्राई वेट, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। आ रही बात समझ में? ठीक है, इंडिविजुअल्स मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो ग्रोथ हो गई, एक बार आप भाई बढ़ गए है ना, आपकी लंबाई बढ़ गई, तो आप वापस आप छोटे हो सकते हो क्या? नहीं हो सकते ना। तो इसका मतलब क्या होता है, जो सचिव में ग्रोथ होती है वो कभी भी क्या नहीं होती, इरिवर्सिबल नहीं होती, रिवर्सिबल नहीं होती, सॉरी रिवर्सिबल नहीं होती, वो क्या होती है, परमानेंट होती है। क्या होती है? परमानेंट होती है और इरिवर्सिबल होती है। उस और किस कारण होती है, इसमें परमानेंट रूप से जो सेल होती है उसकी साइज बढ़ सकती है, ऑर्गन बढ़ सकता है, होल ऑर्गेनाइजम बढ़ सकता है, और किससे बैठते हैं, उनका ड्राई वेट भी बढ़ जाता है, मतलब उसका शुष्क भार भी बढ़ जाता है, उनकी उनका जो द्रव्यमान है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज ऑफ नंबर उनकी संख्या बढ़ जाती है। कुछ साथ ही देखो कोशिका बढ़ती है, ठीक है, विकास करती है, डेवलपमेंट करती है, उसके साथ साथ उनकी नंबर भी बढ़ाती है, ठीक है, ग्रोथ में उनका नंबर भी बढ़ जाता है। और नंबर बढ़ा हुआ कोशिका, मान लो कोशिका 1 से 2 हो गई, तो फिर क्या 2 से 1 हो जाएगी? फिर से नहीं हो पाएगी। आ रही बात समझ में? कोशिका फिर से 2 से 1 है, नहीं हो पाती है। ये होता है, क्या होता है कि ग्रोथ एक परमानेंट चीज़ है। अगला देखते हैं डेवलपमेंट। अगला पॉइंट है डेवलपमेंट इज सम ऑफ चेंज दैट ओकर एन ऑर्गन एंड ऑर्गेनाइजम ड्यूरिंग इट लाइफ टाइम। जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, वो सभी प्रकार के परिवर्तनों का क्या होता है, जोड़ होता है, सभी प्रकार के परिवर्तनों का जोड़ होता है, जो एक ऑर्गन के ऑर्गेन और जो ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजम है, ठीक है, उनकी जो क्या होता है, सॉरी देखो, डेवलपमेंट इज द सम चेंज सम ऑफ द चेंज ऑकर इन ऑर्गन एंड और एन ऑर्गेनाइजम ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। जो एक ऑर्गेनाइजम है और या और एक ऑर्गन है, वो पूरे लाइफ टाइम जितना भी डेवलपमेंट कर जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जो चेंज होता है वो क्या होता है, सम होता है, सॉरी समझ में नहीं आ रहा क्या बात, जो ऑर्गन और ऑर्गेनाइजम, ठीक है, अपने समय में क्या करते हैं, जितना भी क्या करते हैं, चेंज करते हैं, उन सभी चेंजों का योग क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। अब बात क्लियर हो गई, समझे इस बात को, जो डेवलपमेंट क्या होता है वो सम होता है किसका, जो जीवन भर में जो ऑर्गन या ऑर्गेनाइजम अपना लाइफ टाइम में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, उसका जो जोड़ होता है क्या होता है, डेवलपमेंट होता है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें पॉइंट देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लांट आर एबल टू कंटिन्यू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन लाइफ टाइम, बट एनिमल आर ओनली एबल टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन ए सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या हुआ, जो पादप हैं वो अपने पूरे जीवन काल में क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, हमारी बात समझ में, पूरे जीवन काल वृद्धि करते हैं, मरते दम तक वो क्या करते हैं, वृद्धि करते रहते हैं, आ गई बात समझ में। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या है, जो ऐसा क्या एनिमल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या हम बुढ़ापे क्या जो बुढ़ापा आता है मनुष्य में, हम में बुढ़ापा आता है, क्या हम उस टाइम भी ग्रोथ कर रहे होते हैं? नहीं। देखो कैसे, जो
हाँ, जो एनिमल होते हैं, एनिमल सिर्फ एक सर्टेन लाइफ पीरियड तक ही, हम जैसे युवावस्था तक ही हम क्या कर सकते हैं, हमारा शरीर वृद्धि करता है, उसके बाद वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है, उसके बाद वृद्धि की मात्रा बहुत कम हो जाती है। इस कारण जो एनिमल होते हैं वो एक सर्टेन टाइम तक ही वृद्धि कर पाते हैं, और जो प्लांट होते हैं, वो क्या करते हैं, कंटिन्यू ग्रोथ कर डेवलपमेंट करते हैं पूरे लाइफ टाइम। अरे बात समझ, अगला पॉइंट देखो। द माउंटेन सैंडबर्न आल्सो इंक्रीज साइज एंड मास, बट दीज इंक्रीज साइज इंक्रीज ड्यू टू आउटर सब्सटेंस दैट्स कवर लेयर बाई लेयर। अरे बात, अब देखो, वो मैंने पहले पॉइंट बताया था कि जो माउंटेन होते हैं, पहाड़ होते हैं, क्या वो वर्दी नहीं करते? सैंड के जो मड्स होते हैं, जैसे मरुस्थल में जो क्या होते हैं, धोरे होते हैं मिट्टी के, वो भी वर्दी करते हैं, लेकिन कैसी उनकी वर्दी क्या होती है? आउटर वर्दी होती है। क्या हम में भी ऐसी आउटर वर्दी होती है? क्या हमारे पर पत्ते पर परत के ऊपर परत चढ़ती है, लेयर बाय लेयर चढ़ती है क्या? नहीं, हमारे जो वर्दी होती है वो अंदर से होती है, अंदर से बाहर की ओर होती है। और जबकि नॉन लिविंग थिंग होती है, उनमें वर्दी होती है बाहर से अंदर, सॉरी बाहर लेयर के ऊपर लेयर चढ़ने से वर्दी होती है। अरे बात समझ, ये हो गया क्या, इन दोनों में अंतर हो गया, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के ग्रोथ में अंतर हो गया। अरे बात समझ, देखो, आउटर सब्सटेंस दैट्स कवर बाई लेयर, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर चढ़ी, इस कारण उसकी जो वृद्धि हुई किसकी, नॉन लिविंग थिंग्स की। और जो लिविंग थिंग होता है वो शरीर, उसके शरीर के अंदर से बाहर की ओर वृद्धि होती है। अब अंदर की ओर कोशिकाएं बनती जाएंगी, बाहर की ओर वो बाहर की कोशिकाओं को प्रेस करती जाएंगी, इस कारण वो बाहर की ओर वृद्धि होगी। अब देखो अगला पॉइंट, एनिमल्स साइज एंड मास इंक्रीज ड्यू टू इनर ग्रोथ। ठीक है, ये हमने पॉइंट क्लियर कर लिया। अभी अब हम चलते हैं अगले लक्षण पर, या अगले करेक्टर पर। अगला करेक्टर क्या, रिप्रोडक्शन। हाँ, अगला करेक्टर रिप्रोडक्शन। अब सभी को पता होगा रिप्रोडक्शन क्या, जनन क्या होता है। जनन एक प्रकार का विशेष लक्षण है जो वरदान के फलस्वरूप इसे मनुष्य या सजीवों को मिला हुआ है। ठीक है, सभी सजीवों को मिला हुआ है। कैसे? क्योंकि सब आपको सब पता है कि जो सजीव लिविंग थिंग होते हैं, लिविंग थिंग एक उनका लाइफ सर्टेन टाइम होता है, लाइफ का सर्टेन टाइम होता है, उसके बाद उनको डिक्रीज होना पड़ता है या मरना पड़ता है। ठीक है, और मरने से क्या होगा, उनकी जाति या जो जनसंख्या वो घट जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिए एक वरदान के फलस्वरूप निकल के आता है रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या काम करता है, रिप्रोडक्शन उस स्पीशीज़ को बनाए रखने की क्षमता रखता है। समझे इस बात को, उस स्पीशीज को बनाए रखने की क्षमता रखता है। किस स्पीज को, जो मतलब है, उस स्पीज को बनाए रखने की क्षमता रखता है। किस, कहाँ पर, अर्थ पे, मतलब पृथ्वी पर उस स्पीसीज को बनाए रखने की क्षमता रखता है। अब देखो पहला पॉइंट देखो, वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनाइजम हैव सर्टेन लाइफ पीरियड देन डाई। मैंने ये बता दिया अभी अभी कि सभी जो लिविंग थिंग होता है उनका क्या होता है, एक सर्टेन लाइफ पीरियड होता है। समझे, और अगला पॉइंट देखते हैं, रिप्रोडक्शन आर मेक लाइफ ऑफ ए स्पीसीज कंटिन्यू अर्थ। मैंने अभी बताया कि जो लाइफ है, उस जो स्पीसीज है, किसी भी स्पीसीज को बस पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए कौन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, रिप्रोडक्शन। कौन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बेटा, रिप्रोडक्शन। अरे बात समझ, रिप्रोडक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब देखते हैं अगला, दस रिप्रोडक्शन इज़ नॉट ओनली प्रोडक्शन इन न्यू कॉपी लाइक लुक लाइक इट सेल्फ, बट आल्सो इट इज़ इम्पोर्टेंट ऑफ द सर्वाइवर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज ऑन अर्थ। इसका सीधा सा मतलब होता है क्या, कि ये सिर्फ इतना काम नहीं करता है कि एक ऐसी की ऐसी कॉपी बना देना, जैसे कि मनुष्य के मनुष्य हो गया, ठीक है, उसकी एक कॉपी बन गई, ठीक है, तो उसका सिर्फ इतना काम नहीं होता, लेकिन उसके अलावा भी एक बहुत बड़ा काम होता है कि उस स्पीसीज को पृथ्वी पर बनाए रखने का काम करता है रिप्रोडक्शन। वो मैंने अभी अभी क्लियर किया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, सो दैट वी नो लाइफ कम फ्रॉम लाइफ। जो जीवन है कहाँ से आता है भाई, जीवन से ही आता है। एक मतलब एक जो स्पीसीज है वो रिप्रोडक्शन करके ही दूसरी स्पीसीज बनाती है, एक जिंदा स्पीसीज ही रिप्रोडक्शन करके दूसरी स्पीसीज बनाती है। तो इसका मतलब क्या होगा, जीवन से जीवन आता है। अगला पॉइंट देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजम आर हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन लाइक। देखो अब एक बात और भी है, रिप्रोडक्शन तो बात समझ ली हमने कि भाई रिप्रोडक्शन क्या काम करता है, कि भाई रिप्रोडक्शन उसे एक मतलब स्पीसीज को बनाए रखने का काम करता है। अब देखो, क्या रिप्रोडक्शन सभी में समान होता है, नहीं होता ना, कैसे नहीं होता,
अब आप ही बताओ, एक हम क्या करते हैं, एक बीज बोते हैं और एक हम ग्राफ्टिंग जैसे गन्ना बोते हैं तो उसकी ग्राफ लगाते हैं, ठीक है, क्या दोनों सेम है? क्या दोनों सेम थिंग है? नहीं है। अरे बस नहीं है, दोनों सेम थिंग नहीं है। जो हमने ग्राफ्टिंग लगाई थी गन्ने की, वो होता है शुगर कैन की, वो होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा, ठीक है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन आएगा, जो बीज बनता है, जिससे बीज बनता है, फूल से बीज तो बनता है, ठीक है, तो फूलों से बीज बनता है और उसमें नर गैमेट और सॉरी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट भाग लेते हैं, ठीक है, पार्ट करते हैं और एक बीज बनाते हैं, समझे इस बात को? अब देखो, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों भाग लेते हैं, उससे क्या बना, बीज बना या सीड बना। वो क्या होगा, किस वो जो रिप्रोडक्शन होगा वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो, अलग अलग प्रकार के जीवों में अलग अलग प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जैसे बैक्टीरिया हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, यूनिसेलर हो गए, जो मतलब लोवेस्ट प्राणी है, मतलब नीचे नीचे के तल के प्राणी हैं, उनमें कौन सा मोस्टली कौन सा रिप्रोडक्शन पाया जाता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो फंगी है, कवक है, फंगस है, उसमें क्या होता है, सेक्सुअल असेक्सुअल, उसमें भी क्या होता है, असेक्सुअल स्पोर बनते हैं, एक ही जो बॉडी होती है उससे स्पोर बन जाएंगे, उसकी कोशिका क्या बना देंगे, स्पोर बना देंगे, जो आगे चल कर क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे और नई फंगी या बना देंगे, नई फंगी बना लेंगे, अरे बस मतलब कवक, नया कवक बना लेंगे। जो और अगला देखते हैं, जो और लोअर ऑर्गेनाइजम है, मतलब निचले तर के जो सजीव हैं, वो क्या करते हैं, उनमें सभी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, लाइक बडिंग और फिशन। बडिंग होता है, उनके शरीर से एक छोटी सी क्या निकलती है, बड निकलती है, ठीक है, और जो अलग होने कुछ समय बाद उसके साथ रहेगी, उसके बाद वो अलग होकर एक नया सजीव बना लेगी, अरे बस जैसे हाइड्रेला हो गया, ठीक। अब देखें फिजन, फिजन क्या होता है, जिस बैक्टीरिया में पाया जाता है, स्पेशली फिजन होता है एक ही कोशिका का दो कोशिकाओं में बढ़ जाना, और दोनों कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के जीव होंगे, सॉरी अलग अलग प्रकार के जीव नहीं होंगे, एक ही प्रकार के जीव होंगे लेकिन वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि पहले एक बैक्टीरिया था, उसमें फ्यूजन हो गया तो दो बैक्टीरिया बन गए, ठीक है। तो ये हो गया लोअर ऑर्गेनाइजम में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगला देखते हैं पॉइंट, मोस्टली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो मोस्टली मतलब जो सामान्यतः जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजम हो गए, जैसे हम हो गए, ठीक है, और कोई मतलब हायर जो एनिमल होते हैं, हायर जो प्लांट होते हैं, उनमें कौन सा रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन पाया जाता है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या, मैंने अभी बताया, मेल गैमेट होते हैं, फीमेल गैमेट होते हैं और दोनों भाग लेते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों भाग लेते हैं और एक युग्मनज बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं, वो चल के आगे भ्रूण का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, भ्रूण का, एम्ब्रियो का निर्माण करता है। आगे एक नोट है, अब देखते हैं उसमें नोट कैसे नोट है। अब देखो, क्या सभी प्रकार के सजीव, क्या सभी प्रकार के सजीव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, क्या सभी प्रकार के सजीव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं कि भाई, नहीं, ऐसा नहीं होता है, सभी प्रकार के सजीव रिप्रोडक्शन नहीं करते। इस कारण इसका जो रिप्रोडक्शन एक प्राइमरी करेक्टर नहीं है, सजीवों का या लिविंग थिंग का प्राइमरी करेक्टर नहीं है, जो सभी उसको नॉन लिविंग थिंग से अलग कर दें। कैसे, जो आपने सुना होगा छत में मधुमक्खी का छत्ता होता है, ठीक है, बी होते हैं, हनी बी होते हैं, उसमें जो वर्कर बी होते हैं ना, वो क्या होते हैं, स्टराइल होते हैं, स्टराइल मतलब उसमें जनन की क्षमता नहीं पाई जाती, और जो खच्चर होता है उसमें भी नहीं पाई जाती, और जो बंदे नर होते हैं, ठीक है, बंदे मनुष्य होते हैं ना, उसमें भी जनन की क्षमता नहीं पाई जाती। क्या फिर क्या वो जीवित नहीं है, सजीव नहीं है, आ रही बात समझ में, वो सजीव हैं लेकिन उनमें रिप्रोडक्शन की क्षमता नहीं है। तो जो रिप्रोडक्शन है वो नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग को अलग नहीं करता है, ठीक है। बट वी आल्सो नो दैट नॉन लिविंग थिंग आर नॉट एबल टू डूइंग रिप्रोडक्शन, लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि भाई जो नॉन लिविंग थिंग है वो कभी भी रिप्रोडक्शन करने में सक्षम नहीं हुए हैं आज तक, ठीक है, मतलब जो नॉन लिविंग थिंग है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। अब अगली स्लाइड देखते हैं, अगला करेक्टर देखते हैं, पांचवा है मेटाबॉलिज्म। मोस्ट पॉइंट है ये इस चीज़ का, ठीक है, जो हमको लगभग अलग कर देता है लिविंग थिंग को, नॉन लिविंग थिंग को अलग कर देता है। देखो, हम देखते हैं पहला पॉइंट है भाई, वी नो दैट लिविंग ऑर्गेनाइजम बॉडी मेक मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ द माइ मोलिक्यूल, दीज आर डूइंग डिफरेंट बायो केमिकल रिएक्शन।
बात समझ में। देखो अब इसमें क्या है, दीज आर हाँ सुनो, इस चीज़ का पॉइंट क्या है, इस चीज़ का मतलब क्या है कि जो हमारा शरीर है, जो लिविंग थिंग का शरीर होता है, वो एक ही प्रकार के ऑर्गेनिज्म से नहीं बना होता है, समझे इस बात को, एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से नहीं बना होता। ये हमने पहले वाले पार्ट में क्लियर कर लिया है। अब दूसरे पार्ट में क्लियर हम ये करते हैं कि भाई अब जो जो बने होते हैं, मतलब अनेक प्रकार के जो बायो मॉलिक्यूल से बने होते हैं, उनमें क्या पाई होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। और वो बायोकेमिकल रिएक्शन ही क्या कहलाती हैं, जो बायोकेमिकल रिएक्शन ही क्या कहलाएंगी, मेटाबॉलिज्म कहलाएंगी। क्या कहलाएंगे बेटा, मेटाबॉलिज्म, समझे इस बात को, मेटाबॉलिज्म कहलाएंगे। अब अगला पॉइंट देखें, मेटाबॉलिज्म मे बी डिफिनाइड एज इट्स एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल एंड एनर्जी विद इन ऑर्गेनाइजम। जो सजीव होते हैं उसमें जो मेटाबॉलिज्म होता है क्या काम करता है, एक्सचेंज करता है मटेरियल को एनर्जी में, एनर्जी को मटेरियल में, समझे इस बात को। कि जैसे जैसे कि सूर्य के प्रकाश से जो सनलाइट होती है, उससे प्लांट क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, उस ग्लूकोज और फूड मटेरियल बनाते हैं, उस फूड मटेरियल को हम कंज्यूम करते हैं, उसको तोड़कर हम एनर्जी रिलीज कर लेते हैं। तो ये क्या काम होगा, मेटाबॉलिज्म का। इस देखो दो प्रकार हुए, मैंने अभी उदाहरण दिया, उसके आधार पर हमने इसको मेटाबॉलिज्म को दो भागों में बांटा है। पहला है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है, जो इसमें देखो चीज़ें बनती हैं, इसमें क्या होता है, चीज़ें बनती हैं। मैंने जो सनलाइट कहाँ पर गिरती है, प्लांट में गिरती है, वो वाला इसमें एग्जाम्पल आ सकेगा। कैसे, जो देखो इन दिस टाइप द बायोकेमिकल रिएक्शन इज रिएक्शन द सिंपल सब्सटेंस आर चेंज इनटू द कॉम्प्लेक्स एनर्जी सब्सटेंस। मतलब जो छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल हैं एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, अरे बात समझे, और वो मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना लेंगे। और उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाने में क्या, उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में क्या होता है, एनर्जी होती है, क्या होती है, एनर्जी होती है, ठीक है। दस दैट्स टाइप रिएक्शन, और देखो बनाते हैं इस कारण, देखो क्या कहलाता है, ये सिंथेसिस कहलाता है। और सबसे ज़्यादा सिंथेसिस कौन सा होता है, जिसपे अपनी पूरी ज़िंदगी या पूरी जो पृथ्वी डिपेंड कर रही है, पूरी पृथ्वी का जीवन डिपेंड कर रहा है, वो क्या है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो एनाबॉलिज्म को क्या कहते हैं, हम सिंथेसिस भी कहते हैं, ठीक है, और इसका मीनिंग भी हम लगा सकते हैं फोटोसिंथेसिस से, समझे इस बात को। अब देखो इसमें आपको सबको पता है, CO2 और H2 के साथ, लाइट के साथ मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, पानी रिलीज करते हैं। और दूसरा देखते हैं कैटाबॉलिज्म, दूसरा प्रकार है भाई इसका कैटाबॉलिज्म। इन दिस टाइप ऑफ द रिएक्शन द हायर कंपाउंड आर ब्रेक डाउन इन द सिंगल मॉलिक्यूल एंड रिलीज द एनर्जी। इसमें क्या हुआ, उसका जस्ट उल्टा, किसका जस्ट उल्टा, जो एनाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म में जो चीज़ें बन रही थी इसमें क्या होंगी, टूट जाएंगी, ब्रेक डाउन हो जाएंगी, उसमें एनर्जी मॉलिक्यूल बन रहा था इसमें एनर्जी रिलीज हो जाएगी, हरी वासन में। और जो कौन सा होता है, जो इन कैटाबॉलिज्म होता है, एक प्रकार का ऑक्सीडेटिव, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, इस कारण ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन भी कहलाता है ये, ठीक है। और आपको पता है ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर और एंजाइम के साथ मिलकर टूटेगा, CO2 रिलीज होगी, H2O रिलीज होगा, और साथ में क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। ये तो काम होता है, ये वाला पहला वाला काम होता है प्लांट में, और दूसरा वाला काम होता है जो अपने एनिमल होते हैं उनमें। क्यों, क्योंकि ये तो क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं और हम कंज्यूम करते हैं। भोजन बनाने में क्या होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल को इकट्ठा करके ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, और हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स बने हुए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ कर हम क्या कर लेते हैं, एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। अगला करेक्टर देखते हैं, डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, कैटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, ये देखो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना। देखो कैटा अभी हमने पढ़ भी लिया, ठीक है, जो कैटाबॉलिज्म होता है ब्रेक डाउन प्रोसेस होती है, चीज़ों को तोड़ने की प्रोसेस होती है और रिलीज करता है एनर्जी। और ये बताओ जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म या सॉरी यहाँ पर एनाबॉलिज्म आएगा, एनाबॉलिज्म, ठीक है, ध्यान रखना एनाबॉलिज्म आएगा यहाँ पर, जो इन दिस सिंथेसिस प्रोसेस दैट मेक कॉम्प्लेक्स एनर्जी मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, जो एनाबॉलिज्म है उसमें चीज़ें बनती हैं, मैंने अभी बताया, ठीक है। तो पहला अंतर ये हो गया। अब दूसरा अंतर कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, पोटेशियम, पोटेशियम एनर्जी,
पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पीई जिसे कहते हैं, या स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, वो कन्वर्ट होती है काइनेटिक ऊर्जा में, मतलब जो गतिशील ऊर्जा मतलब काम में लेने वाली ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। और इसका उल्टा किस में होता है, एनाबोलिज्म में। एनाबोलिज्म में क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। समझे इस बात को, मतलब जो घूम रही है फिर रही है ऊर्जा, वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में इकट्ठी हो जाएगी। अगला देखते हैं, रिलीज एनर्जी फॉर वाइटल एक्टिविटी, मतलब इससे क्या होगा, कैटाबोलिज्म रिएक्शन होती हैं, उससे क्या होता है भाई, उससे होता यह है कि एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, हमको काम करने लायक एनर्जी कहाँ से मिलती है, कैटाबोलिक एक्टिविटी से या कैटाबोलिक रिएक्शन से, ठीक है। मैं एनाबोलिक में क्या होता है, एनाबोलिक में जो एनर्जी है, जो एटीपी है, वो स्टोर की जाती है। देखो सिंथेसिस, बायोसिंथेसिस होता है, इसमें एसिमिलेशन होता है और स्टोरेज और ग्रोथ, जो ग्रोथ के लिए एनर्जी क्या करती जाती है, स्टोर की जाती है। हरी बात समझ में, बनाई जाती है और स्टोर की जाती है, समझिए। अब अगली स्लाइड में चलते हैं, अगला स्लाइड है होमियोस्टेसिस। हरी बात समझ में, अब होमियोस्टेसिस होता क्या है, होमियोस्टेसिस एक प्रकार का विशेष प्रकार का लक्षण है, करैक्टर है, जिसके कारण ही कोई जीव इस पृथ्वी पर बना हुआ है और हम भी सबसे ऊपर इसी कारण से हैं, क्योंकि हम में इस चीज़ को कंट्रोल करने की क्षमता है, हमें दिमाग है इतना कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसी कारण हमारी स्पीसी लगभग हज़ारों साल से चल रही है, मानव स्पीसी जो होती है हज़ारों साल से चल रही है, क्योंकि उसमें जो टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर है, प्रेशर है, जो सभी को मेंटेन करने की थोड़ा सा उसमें ज्ञान है, ठीक है। आ रही बात समझ पे, अब देखो इसका को देखो इसमें इसका परिभाषा क्या है, जो इसकी डेफिनेशन क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेंटेन इंटरनल कंडीशन विद ए सर्टेन लिमिट ऑफ इन्वायरमेंट, एक विशेष प्रकार के टेम्परेचर को सहन कर सकता है, ठीक है, मॉइस्चर लेवल को सहन कर सकता है, एसिडिटी एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर को भी सहन कर सकता है जो इन्वायरमेंट के थ्रू या किसी भी कारण से उसके ऊपर आई हुई है, ठीक है। अब देखो हमें जब भी गर्मी लगती है, पसीना आता है, क्या करता है, हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करता है कि नहीं है। और जब सर्दी लगती है तो हमें कप कप हार्ट हमें क्या करती है, ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिससे क्या होता है, हीट उत्पन्न होती है और हमारा शरीर गर्म होता है। ये सब कुछ किस में आता है भाई, ये सब कुछ किस में आता है, जो हमारे शरीर पे बाल हैं वो भी क्या करते हैं, हीट को मेंटेन करते हैं। तो ये सब कुछ जो ये अनुकूलन है, एडेप्शन है, ये किस में आते हैं, होमियोस्टेसिस में। समझे इस बात को, अगला कैरेक्टर दो, अगला जो पॉइंट है, दीज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड होम्योस्टेसिस। ये सभी कैरेक्टर जितने मैंने बताया, टेम्परेचर को कंट्रोल करना, एनवायरनमेंट की लिमिट्स को कंट्रोल करना, एसिडिटी को कंट्रोल करना, अदर फिजियोलॉजिकल फैक्टर जो बाहर से फिजियोलॉजिकल फैक्टर यूज़ किए गए हैं उनको कंट्रोल करना, ये सब किस में आते हैं भाई, होम्योस्टेसिस में। समझे इस बात को, ठीक है। अब बाकी का हम क्या करते हैं, अगले पार्ट में देखने की कोशिश करते हैं, अभी 6 हुए हैं और बाकी लक्षण हम अगले पार्ट में देखेंगे। हाँ, और आपको अगर समझ में आ गया है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाना, ठीक है, और हम धीरे धीरे करके इस बायोलॉजी को कवर कर देंगे, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, मैं थोड़ी सी अब हमारी मेहनत थोड़ी सी रंग लाए तो आप और आपके काम आएगी एजुकेशन, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब अगले पार्ट में मिलते हैं, ठीक है, थैंक्स।